विद्यालय की ओर से शीर्षस्थ साहित्यकार बाबू गुलाब राय एवं पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जी एवं के अवसर पर हम आपका अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण चटिया, माननीय संचार राज्य मंत्री श्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक डॉक्टर प्रभाकर शुक्ल यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत से करना चाहेंगे। और श्री राजेंद्र अवस्थी संपादक कारण हैं। पंडित सूर्यनारायण व्यास एवं बाबू गुलाब राय संस्थानों की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे बाबू गुलाब राय के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर शिव शंकर गुप्ता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी के शीर्ष साहित्यकार बाबू गुलाब राय जी एवं सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित सूर्यनारायण व्यास जी के सम्मान में जारी किए जा रहे स्मरण डाक टिकट के लोकार्पण की स्वीकृति प्रदान कर राष्ट्रभाषा हिंदी को गौरवान्वित किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भावुकता की तरंगों पर हिलोरे लेते हुए उच्च काव्य साहित्य के प्रेरक रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानवता की उच्च मूल्यों का स्थापना की है तथा विश्व शांति के लिए नया संदेश दिया है। ऐसे कवि व साहित्यकार प्रधानमंत्री द्वारा हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार बाबू गुलाब राय जी एवं पंडित पद्म भूषण पंडित श्री सूर्यनारायण व्यास जी की स्मृति में किए जा रहे डाक टिकट का लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जी की पुस्तक यादें का विमोचन किया जा रहा है। स्वागत है समारोह के विशिष्ट अतिथि मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी,
जो कि भारतीय संस्कृत शिक्षा विज्ञान साहित्य के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। देश के गौरव शिक्षक साहित्यकार वैज्ञानिक कलाकार आज जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में सही दिशा दी है उनको सम्मानित करने हेतु देते रहे हैं। इस कड़ी में मूर्धन्य साहित्यकार बाबू गुलाब राय जी के व्यक्तित्व कृतित्व को दर्शाते हुए एक मालिका का प्रकाशन किया गया जिसको भेंट किया जाए। स्वागत है संचार राज्य मंत्री माननीय तरुण शेखर जी का जिन्होंने दूरसंचार के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार तथा साथ ही सैटेलाइट तकनीक को बढ़ावा दिया। सिद्धर जी अखिल भारत गंगा साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। हमारी पीढ़ी से हिंदी साहित्य के महान नक्षत्र बाबू गुलाब राय तथा पंडित सूर्य नारायण व्यास का परिचय करवाएंगे कादंबरी के संपादक श्री राजेंद्र अवस्थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन उन्होंने एक काम किया था क्योंकि एक बार आगरा गया था मैं एक समारोह में तो मैंने देखा कि बहुत लोग आए थे जो बात कर रहे थे तो उन्होंने एक ठलुआ क्लब बनाया था। तो ये ठलुआ क्लब क्या होता है इसमें बिना कविता के तो काम नहीं चलेगा और कविता वो होगी जो एक दूसरे के विरोध में होगी या हंसी मजाक की होगी नहीं तो क्लब का नाम ठलुआ क्लब नहीं पड़ता। तो ये भी मानते चाहिए कि वो चाहे जैसे भी हो किसी न किसी रूप में कभी जरूर रहे। उन्होंने बहुत से पुस्तकों की रचना भी की गद्य लिखा और एक बहुत लंबी हिंदी की जो परंपरा थी उस परंपरा का बाकायदे निर्वाह किया। हम लोगों का गर्व और बाकी बढ़ा चला रहे हमेशा अपने से जो बड़े लोग हैं और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उनकी मार्ग में चलना हर आदमी का काम है। गुलाब राय जी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया और अक्सर होता ही है कि हर शहर का नाम किसी बड़े लेखक के नाम पर पड़ जाता है। एक देख लीजिए तो अपने अपने शहरों की विशेषता होती है और उस व्यक्ति की विशेषता होती है जो शहर को शहर बनाता है और वह शहर जो शहर उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा आसन देता है और सम्मान करता है। विशेषज्ञ छात्र हूँ और कम से कम 50-60 ज्योतिषों से मेरा पाला पड़ गया 10-20 तांत्रिकों से ही पाला पड़ा। मैंने देखा कि ये सच्चे रूप में सौ और ये जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई कोई ठिकाने का आदमी बताओ कि मेरी ये समस्या है ये ठीक हो जाएगी तो बहुत से लोग तो कह देते हैं आप जिनसे पूछ रहे हैं वो तो सब ज्योतिषी हैं। सवाल ये है कि आज ज्योतिष को जो त्योहार बना दिया है और जिस ढंग से चल रहा है उससे केवल तरस आता है। संस्कृत का आगाज ज्ञान था अभी बीच में एक बार डॉक्टर बलदेव खरा मिश्र के साथ ज्योतिषी थे उनकी कितनी भविष्यवाणी सच निकली और नहीं निकली मुझे माफ इसी करेंगे कि कई बार कुछ पब्लिसिटी भी दूसरे ढंग से कर दी जाती है। मैं अखबार का आदमी हूँ तो जानता हूँ कि टेबल पर न्यूज बनाई जाती है और बहुत बढ़िया न्यूज बनाना तो टेबल पर बनती है लेकिन ये विश्वास है कि जितना उनके बारे में कहा गया और सुना गया है उससे ये ज्ञात होता है कि अपने समय के बहुत बड़े शिक्षाविद दोनों के प्रति हम नमन करते हैं और उससे ज्यादा नमन मत तो वरना कोई भी प्रधानमंत्री कह देता कि अरे लेखा क्या होता है हमारे देश में बड़ा तमाशा होता है। विदेशों में जाइए किसी से कहिए मैं लेखक हूँ तो कुछ नहीं कहेगा यहाँ किसी से कहिए मैं लेखक हूँ तो पूछेंगे आप लेखक तो है आप करते क्या बताना पड़ेगा आप लेखक हैं और करते क्या है। वहाँ आकर जिन्हें ये मौका दिया कि उनका सम्मान करने के लिए एक अवसर दिया और इसी बहाने हम सब लोगों को मिलने का समय मिल गया। बहुत दिनों से अटल जी से मिले नहीं थे क्योंकि टाइम पत्रिकाएं जो बदमाशी की है और जो तमाशा किया है उससे हम सबको दर्द हुआ है तो उसका कारण है कि जितनी चीजें हम सब जानते हैं वो अमेरिका में बैठ करके कहाँ से जानता है
बहुत लंबा समय से हमारा आशीर्वाद मिलता रहे और ये ऐसे सारे लोग जो अपने को पहली दुनिया का देश कहते हैं और वो पत्रकार हैं, जब 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 यहाँ मिलते हैं तो कहते हैं भाई मैं तुम्हारा ये बात की मैंने कहीं कहीं उपयोग किया, मुझे अच्छा लगता है जब उनके मुँह से सुनता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बल्कि बहुत बड़े आदमी, लेकिन बड़े आदमी के मुँह से अपनी कोई बात सुनना, तारीफ सुनना सचमुच में हर किसी आदमी को लगेगा, आप गलत आदमी हो तो भी लगेगा। जटिया जी हैं, जब कविता पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो उनके पत्थर पर पत्थर उड़ाते हैं, तब ये पता लगता है कि साहब ये पत्थर और पत्थर का अलग भाई पार्लियामेंट में चल रहा है कहीं बाहर चल रहा है। तुम इनको बार बार सुनाता हूँ कि सब कुछ तो सुनाइए लेकिन मुगलता जो सुनाइए जो पत्थर पर पत्थर आता रहे। भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक डॉक्टर प्रभाकर क्षत्रिय पंडित व्यास के मनुष्य पुत्र हैं, जिन्होंने पंडित जी के साहित्य पर गहन शोध किया है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया साहित्य जगत की इन दो महान विभूतियों के बारे में कृपया दो शब्द। और आप सब सुनिए, सबसे पहले मैं माननीय अटल जी को और भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अक्सर साहित्य के क्षेत्र के जो लोग हैं या ज्ञान के क्षेत्र के लोग हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करता कि वो जीवन के कर्म क्षेत्र में कूद पड़े, क्योंकि वो अपने आप में एक संपूर्ण और बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली था कि इतिहास, पुरातत्व, गणित, ज्योतिष और ज्ञान विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों के साथ साहित्य की समाराधना करता था, एक अच्छा संपादक था, वो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में भी एक तरह से लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ रहा। भारतीय संस्कृति की जो अवधारणा है उसका समूचा मॉडल क्या हो सकता है, ये सूर्यनारायण व्यास ने परिकल्पित किया था, क्योंकि अकेला धर्म ही भारतीय संस्कृति नहीं है, एक विद्या का पूरा संसार भारतीय संस्कृति के मॉडल को पूरा करता है। पंडित व्यास जी ने महाकाल की छाया में बैठते थे, वहीं उनका जो पत्र राजेंद्र बाबू को लिखे थे, जो पत्र जवाहरलाल नेहरू को लिखे थे, जो पत्र पटेल को लिखे थे, ये सारे पत्र बताते हैं कि सजग प्रहरी के लिए जो अखबार वालों को कहा जाता है, जो पत्रिका के संपादक थे, लेकिन पत्रकार के संपादक ही एक संपादक है, एक पत्रकार है, वो पत्रकार ज्ञान क्षेत्र को लेकर हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जो आज भी अपनी स्मृति के माध्यम से हमारे लिए प्रकाश स्तंभ बन जाता है। आपने लोगों की तरफ से, साहित्य क्षेत्र के लोगों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय जठिया जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर श्री शंकर गुप्ता, श्री राजशेखर व्यास, हमारे बीच डॉक्टर प्रभाकर, माननीय राजेंद्र अवस्थी जी, गणमान्य अतिथिगण, डाक विभाग और मानव संसाधन विकास विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सज्जनों और देवियों, पत्रकार मित्रों, अच्छा पत्रकार बंधु, आज डाक विभाग के लिए बहुत ही खुशी के दिन है कि हिंदी साहित्य जगत के दो दिग्गज साहित्यकार बाबू गुलाब राव और पंडित सूर्यनारायण व्यास पर स्मारक डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। डाक टिकटों के प्रयास सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है। डाक टिकट पत्रों के माध्यम से देश और विदेश के कोने कोने में पहुंचते हैं और उस पर चित्रित विषयों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं। आज जारी किए जा रहे हैं डाक टिकटों के माध्यम से भारत गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाले
तरह से लिख करके उन्होंने किया है। उनसे पहले इन विधाओं में उन साहित्यकारों द्वारा इतना अधिक नहीं लिखा गया था। उन्हें युवा लेखकों और समालोचकों को तैयार करने के प्रोत्साहित करने के लिए भी याद किया जाता है। दर्शन शास्त्र पर देखिए शांति धर्म और मैत्री धर्म नामों अपने आरंभिक पुस्तकों से ही उन्होंने अपना ख्याल बना दिया था। बाद में उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों और 200 से अधिक निबंधों का जिक्र किया है। दर्शन शास्त्र विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे गंभीर विषय पर बड़े पैमाने पर लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य के थीसिस का विस्तार किया। हालांकि उनके अधिकतर प्रश्न और आर्थिक सहायता पूछे, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और उन्हें यातना दी। अपने जीवन के बाद के दिनों में उन्होंने महसूस किया कि मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दासता से मुक्ति पाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना। उन्होंने जनता के बीच स्वाभिमान जगाने के लिए भारत की संस्कृति और विरासत का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया। अपने इस उद्देश्य से उन्होंने सन 1928 में वार्षिक अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत किया। उन्होंने उज्जैन में कालिदास अकादमी के साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय और विक्रम कीर्ति मंदिर की स्थापना की। सर थोड़ा सा आप कंधा आ रहा प्लीज। पूर्ण में से पूर्ण का योग शेष पूर्ण है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर प्रवृत्त हुए इन महापुरुषों का डाक टिकट के विमोचन का लोकार्पण का समारोह संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर गरिमा प्रदान कर रहे भारत के माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धा के मानव संसाधन मंत्री की जारी करने का यह सुरक्षित ज्ञान तो यह ऐसे महापुरुष हैं जिनका पावन स्मरण कर जिनकी प्रेरणा से हम भी प्रतिमान को सामने रख करके उनका अनुसरण अनुकरण करने का प्रयास है।
देखते हैं कि शहरों के चौराहों पर, प्रतिष्ठित जगहों पर महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित होती है और उसका चक्कर लगाते हुए निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई परिक्रमा करते हुए निकल जाते हैं, पर क्षण भर के लिए ध्यान चला जाए तो निश्चित रूप से प्रेरणा का एक स्फुरण हो जाता है। और इसलिए आज यह जो महापुरुष जिनके स्मृति में हम डाक टिकट जारी करने का यह सदप्रयास हुआ है, जैसे बाबू गुलाब राय जी, और जैसा कि उनके जीवन परिचय को बताते हुए सभी ने कहा है कि वो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, निबंधकार थे, तो ये सारा लेखन का कार्य बिना साधना के संपन्न नहीं होता, एकाग्रता के बिना नहीं होता। ऐसे समसामयिक रूप से प्रसंगों पर कुछ लिखना, लिख जाना, ये एक अलग बात है, किंतु किसी विषय वस्तु को लेकर के लिखना, इतिहास की विषय वस्तु को लेकर लिखना, जब तक तथ्यात्मक रूप से कोई जानकारी नहीं हो, किस प्रकार से शोधन करके अनुसंधान करके जब तक कोई संकलन नहीं हुआ, तब तक इतिहास का लेखन संभव नहीं होता। हमने देखा है कि हमारा जो इतिहास है, जिसका कि जो स्वरूप रहा है, जो कि पढ़ाया जाता रहा है, उसका संशोधन करने का काम, अनुसंधान करने का काम जारी है। और इस दृष्टि से भी बाबू गुलाब राय जी का अवदान, उनका योगदान निश्चित रूप से महनीय है, और इसलिए आज हम उनका वंदन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। एक महापुरुष मानव के महापुरुष उज्जैनी, जिसको करक संगा कहा है, जिसको कुमुदवती कहा है, जिसको पुष्पवती कहा है, जिसको अवंतिका कहा है, ऐसे अनेक नामों से प्रसिद्ध ऐसी नगरी जहाँ कुंभ का मेला होता है, जहाँ अमृत वर्षा हुई, जिसको शिवपुरी भी कहा है, जब से लोक जागरण हो सकता होगा, लोकमान तिलक ने गणेश उत्सव की स्थापना करके किया, इसी प्रकार से इनने भी विक्रम की 20 शताब्दी मना करके और उस उत्सव का प्रारंभ करके लोगों में लोक जागरण करने का काम किया, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया। महाकवि कालिदास जैसा की कह रहा है कि पद्माकरम दिन करो विकचम करोति, पद्माकरम दिन करो विकचम करोति, चंदो विकासेति केरव चक्रावराम, न्यावर्तितो जलधरोपि जलम ददाति, संतः सदपुरुषा स्वयं परिहिते पीताभिरोगा। ऐसे सदपुरुष महापुरुष ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित होते हैं, वो समसामयिक उसे मार्गदर्शन करके हम प्रेरणा का कारण बनते हैं। ऐसे दोनों महापुरुषों को अपनी ओर से श्रद्धा वंदन करते हुए सीधे जब तक प्रत्येक दिश में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की सागले हम उठे निर्माण करने, साधना के दीप शुभ हो, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हो, धाम अपना जगमगाए। बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर थोड़ा सा वाजपेयी जी, मानवर श्री
जिठिया जी, श्री तपन सिद्धार्थ जी, राजशेखर व्यास जी, डॉक्टर गुप्ता जी, श्री प्रभाकर शोत्रिय जी और संपादक प्रवर श्री राजेंद्र अवस्थी जी।